आज हम आपको आपके किताब की एक कविता पढ़ाने जा रहे हैं जिसको लिखा है मैथिली शरण गुप्त ने, नर हो न निराश करो मन को, जिसका शीर्षक है। और इसके इसके माध्यम से कवि ने हमें जो कहना चाहा है, इस कविता का जो भावार्थ है वह मैं आपको बताने जा रहा हूँ। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो। नर हो न निराश करो मन को, ये है एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो निराशा के सागर में डूब जाता है और वह निष्काम बैठ जाता है, जबकि आशा ही जीवन है। मैथिली शरण गुप्त ने भी कहा है, उद्यम के लिए प्रेरणा आशा को जीवन का मूल मंत्र कहा है। उन्होंने यह भी कहा है कि मैथिली शरण गुप्त ने इस कविता के माध्यम से प्रकृति में निर्मित प्रस्फुटित प्रकृति की रचना मानव जाति को समग्र रूप से जीवन पर्यंत अपने उद्यम के प्रति समर्पण की सीख देती है। जीवन के चार पहर में भिन्न भिन्न प्रकार के कर्म और कर्तव्य, जिसका सकारात्मक निष्पादन उसके प्रति समर्पित होना कारण प्रकृति में सबसे सबल एवं ज्ञानी जीव बनाकर ईश्वर ने अपने सृष्टि को साकार किया है। जीव की रचना पंच तत्व और इसी में इसका कण कण का मिल जाना भी सच है। रह जाती है उसकी कृति, कर्म और आस्था, जो व्यक्ति का व्यक्तिगत होता है। प्रकृति में पाया जाने वाला हर पदार्थ मनुष्य के उपयोग के लिए और बहुत से प्राणों की रक्षा भी करते हैं। बस केवल अपने उस लक्ष्य को प्राप्त करना है जिसके लिए यहाँ मनुष्य का जन्म हुआ है, ताकि तुम्हें गौरव हासिल हो सके। अर्जुन भी इसी पृथ्वी पर हुए, चंद्रगुप्त भी ऐसे ही, असंख्य लोग हुए जिन्होंने पृथ्वी पर मानव बनकर आए और समय समय पर कुरीति, अत्याचार, शोषण, सामाजिक कुप्रथा आदि का अंत करवाया और अपने कर्म द्वारा अमृत को प्राप्त हुए। अतः मन से नैराश्य के नकारात्मक हर विचार को त्याग कर सकारात्मक सोच के साथ समय का सदुपयोग करते हुए अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होकर कर्म करने से सफलता निश्चित ही प्राप्त होती है। अतः निराशा इस शब्द का कहीं कोई मूल्य नहीं है, यहीं से आशा की किरण फूटती है। निष्क्रिय होकर जीवन बसर करना यह मूर्खता है। अतः कवि मैथिली शरण ने हम मानव जाति को प्रेरित करने हेतु यह कहा है कि मन से निराशा के भाव का त्याग करते हुए अपने जीवन के लक्ष्य के प्रति एकाग्रचित होते हुए अपने कर्म को प्राण बनाकर हर पल उसके संधान के प्रति कर्मनिष्ठ रहने से ही उसकी प्राप्ति होती है, न कि निराशा के भाव को मन में बिठाकर रखने से। यह इस कविता का भावार्थ था। अब आप लोग इसको पढ़ करके समझने का प्रयास करें।